सीपीगंज थाना क्षेत्र के भीटी तिवारी में बदमाशों द्वारा बंधक बनाकर लूटपाट की घटना के 48 घंटे बाद भी दंपति दहशत में हैं। सोमवार की शाम को डीआईजी राजेश मोदक और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता उनके घर पहुंचे। वो घटना की जानकारी लेने के बाद पीड़ित दंपति को कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही बदमाश सलाखों के पीछे होंगे। आपको बता दें कि भीटी तिवारी गाँव में रिटायर आईएएस अधिकारी त्रियोगी नारायण त्रिपाठी और उनकी पत्नी मनोरमा त्रिपाठी को शनिवार की रात तकरीबन 8 बजे असलाहधारी बदमाशों ने बंधक बना लिया था। वह 2.25 घंटे तक घर में लूटपाट करते रहे। विरोध करने पर रॉड से हमला कर घायल कर दिया था। बदमाशों के जाने के बाद पड़ोसियों को जानकारी हुई, उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं इस दुस्साहसिक वारदात की जानकारी होते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। सोमवार की शाम को डीआईजी और एसएसपी घटनास्थल पर पहुंचे। वह मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने के बाद पीड़ित दंपति से मिलकर जल्द बदमाशों के पकड़े जाने का भरोसा दिया। इस पर त्रियोगी नारायण त्रिपाठी ने पुलिस अधिकारियों से बेगुनाह लोगों को नहीं परेशान करने का अनुरोध किया। इस पर अधिकारियों ने आश्वासन करते हुए कहा कि बदमाशों के पकड़े जाने पर पहचान कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे, सीओ कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह, थाना पीपीगंज थानेदार राज प्रकाश सिंह मौजूद रहे। इस दौरान डीआईजी के ने माथहतों को जल्द घटना के खुलासे का निर्देश दिया है। आप दोनों हैं आप मीडिया से हैं जी? ये हमारे थे उन्होंने कहा था मुझे कि आप जाके उनसे मिल लेना एक बार। अच्छा, सूचना मिली, हम गए और इनके अधिकारी से मिली, जो एस पी जो सीनियर एस पी थे उनसे मिले। उन्होंने कहा भाई ये कंपल्सरी तो भी कस्टी होता है उससे तो। हाँ, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको मिलने इसलिए आया हूँ कि आप सीनियर हैं हमारे। वैसे भी हमको पता चला कि आप ऑडिटर हो। उसके बाद हम तो उसका नतीजा ये हुआ कि खुद उन्होंने ही जो एग्जामिनेशन करता है ये दूसरे सबको बुलाया तो कहा है देखे एक नहीं ये गांव आ जाए 50 की गिनती गिरा दें, चाहे पुलिस में हो या किसी भी विभाग में हो। जो हमने एरिया की सेवा की है उन्होंने, लेकिन हमें हमारे हुई है।